मेडिटेशन साधना टेक्निक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे ध्यान के बहुत सारे वीडियोस देखे और ध्यान को समझा। आज मैं आपको एक मन की बात बताने जा रहा हूं, जो मन की बात इतनी इम्पोर्टेंट है, शायद उस बात से आप बहुत कुछ समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। अगर मेरे वीडियो से किसी एक के भी मन में ये बात उतर गई तो मैं समझूंगा हमारे मिशन का उद्देश्य सफल हो रहा है और वीडियो बनाना सार्थक है। दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसे ध्यान सीखना था, ध्यान करना था। ध्यान करने के लिए वो जंगल की ओर गया। ऐसी रीति रही है कि जो भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा रहे हैं वो ध्यान के लिए शांति की ओर, जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। वो व्यक्ति जब जंगल में गया तो एक ऋषि मिले। उसने कहा, महात्मा जी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, क्या आप मुझे ध्यान सिखाएंगे? उन्होंने कहा, हां, मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा। वो उन महात्मा जी के घर में, उनकी कुटिया में रहने लगा, उनकी सेवा करता था और ध्यान सीखता था। कुछ दिन हुए, कुछ महीने बीते, उनकी बताई विधि से उसने ध्यान किया, लेकिन उसे कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा बेचैन हुआ, उसे लगा कि जरूर इन महात्मा जी, इस गुरु में कोई कमी है या इनकी बताई हुई ध्यान की टेक्निक में कोई कमी है। वो वहां से उठा, उसने ऋषि को प्रणाम किया और आगे चल गया। कई दिन चलने के बाद उसे फिर से एक कुटिया मिली, एक महात्मा मिले और उसने फिर से उनको गुरु बनाया और ध्यान का पूरा विधि विधान सीखा और फिर से ध्यान करने लगा। वो व्यक्ति फिर से कुछ महीने उसने ध्यान किए, फिर से कुछ हफ्ते बिताए, कुछ महीने बिताए, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। बड़ा परेशान, कहां भटक रहा हूं मैं, किस जगह जा रहा हूं, अब तो वर्ष हो चला है, मुझे कुछ मिला नहीं। उसने उन गुरु का भी साथ छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गया। लास्ट में एक और महात्मा उन्हें मिले, उसने फिर से कुछ हफ्ते बिताए, उनके साथ ध्यान सीखा, लेकिन फिर से कुछ घटित नहीं हुआ। पूरी तरह से निराश वो व्यक्ति उन गुरु को भी छोड़कर वापस लौट पड़ा। वो वापस लौट गया, उसने कहा, अब ये ध्यान मेरे भाग्य में नहीं है और मुझसे ध्यान होगा नहीं। अक्सर ध्यानी साधक इन सब बातों में उलझते हैं और ऐसा करते हुए अपने जीवन का काफी समय व्यतीत कर देते हैं कि कई जगह सीखने के बाद भी वो ध्यान नहीं सीख पाए। जब व्यक्ति वापस लौट रहा था तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सामने एक पेड़ को देखने लगा। उस पेड़ को देखते देखते वो व्यक्ति उस पेड़ को देखने लगा और देखते देखते उसने आंखें बंद कर ली और उसकी छवि को मन में बसा लिया और एकदम से वो सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर गया। और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि चारों तरफ लोग उसे घेरे हुए हैं, उसके गले में फूल मालाएं पड़ी हैं,
वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 5 मिनट पहले मैंने आंखें बंद की थी एक पेड़ को देखते हुए, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ है और लोगों ने मुझे घेर लिया। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग मुझे फूल माला चढ़ा रहे हो। उसने कहा, महात्मा जी, आप पिछले 13 दिन से ध्यान में बैठे हैं और आज आपने अपनी आंखें खोली हैं बिना भूख और बिना प्यास के। ऐसा तो कोई देव ही कर सकता है। उस दिन उसको समझा कि आपको ध्यान की टेक्निक कोई भी सिखा सकता है, लेकिन ध्यान प्रकट अंदर से होता है। और जब वो ध्यान प्रकट होता है, तब आप इतनी सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य ये था कि आप ध्यान की सही टेक्निक का पालन कीजिए और जब ध्यान अंदर से स्वतः प्रकट होगा तो आप स्वयं उस आनंद में डूब जाएंगे। किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं होगी, आप स्वतः उसकी अनुभूति करेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये स्टोरी प्रेरणादायी लगेगी और मेरे इस मोटिव को, इस कहानी के उद्देश्य को आप समझ सकेंगे। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।